को धोनी में ही भगवान दिखता है, इसीलिए तो फैंस उनके पैरों में गिर जाते हैं। आईपीएल का रोमांच भी तब कम हो जाएगा जब सीएसके माही के बगैर अगले साल उतरेगा। धोनी जहां जाते हैं छा जाते हैं। आईपीएल में तो आलम ये होता है कि मैच चाहे जिस भी मैदान पर हो, जिस भी विरोधी के घर में हो, धोनी की मौजूदगी वहां सीएसके के लिए अपना फैन बेस बना ही लेती है। वो स्टेडियम फिर मेजबान टीम का कम, मेहमान बनकर वहां खेलने गए धोनी और सीएसके का घर ज्यादा लगने लगता है। कुछ ऐसा ही नजारा गुजरात टाइटंस के घर अहमदाबाद में भी देखने को मिला। स्टेडियम में पीले रंग के लिबास में सीएसके के फैंस चारों तरफ बैठे थे, लेकिन इसी बीच स्टेडियम में एक ऐसी घटना घटी कि फैंस हैरान रह गए। वहाँ मैच से संबंधित अधिकारी भी परेशान रह गए और तो और माही भी कुछ पल के लिए चौंक गए। दरअसल हुआ ये कि एक फैन सुरक्षा घेरे को चकमा देते हुए मैदान में धोनी तक आ पहुंचा। ऐसा तब हुआ जब धोनी बल्लेबाजी के लिए आए थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए फैन धोनी के पास पहुंचकर उनके पैरों में गिर गया। उसने सबसे पहले उनके पैर छुए, इसके बाद धोनी ने उसे उठाया और कुछ देर उसके कंधे पर हाथ रखे और चलते भी दिखे। इतने में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहुँच गए, वो उसे पकड़कर ले जाने लगे, पर वो धोनी को छोड़ने को तैयार नहीं था। शायद उसे ये डर भी सता रहा होगा कि कहीं अब पिटाई ना हो, लात घूंसे और थप्पड़ ना पड़े। लेकिन धोनी के फैन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धोनी ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इन्हें आराम से ले जाएं। एक फैन के लिए धोनी का ये भाव देखकर सभी ने धोनी की तारीफ की। आपको बता दें कि सुरक्षा घेरा तोड़कर ग्राउंड पर अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने पहुंचे ये फैन का ये मामला पहला नहीं है। ऐसे मामले पहले भी हो चुके हैं। विराट कोहली के ही मामले में पहले ऐसा कई बार हो चुका है। आईपीएल 2024 के दौरान बेंगलुरु के मैदान पर जब विराट कोहली से मिलने उनका एक फैन अंदर में घुसा था तो उनकी जमकर पिटाई हुई थी। लेकिन लगता है कि धोनी ने अपने फैन के साथ ऐसा कुछ भी होने से बचा लिया है। जहां तक गुजरात और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मैच की बात है तो इसमें सीएसके को हार का सामना करना पड़ा था। धोनी उस वक्त खेलने के लिए आए थे जब लगभग गुजरात की जीत पक्की हो चुकी थी, यानी कि नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने 11 गेंदों पर 26 रन जोड़े थे। इस पारी में एक चौका और 3 छक्का उन्होंने लगाया था। मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर्स मनोज तिवारी और वीरेंद्र सहवाग ने धोनी के बैटिंग पर चर्चा भी की थी। तिवारी का कहना था कि धोनी को पहले बैटिंग के लिए आना चाहिए था, लेकिन सहवाग की राय एकदम अलग थी। उन्होंने कहा, मैं तो उस डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता कि धोनी कहां बैटिंग करने आए। उनका यह आखिरी आईपीएल है, वो जहां आए वो ठीक है, ठीक खेले, खेल कर चले गए, पब्लिक को एंटरटेन किया, और क्या चाहिए, क्या फर्क पड़ता है कि मैच जीते या हारे। सहवाग का यह बयान काफी चर्चा में आ गया था। वैसे आईपीएल 2024 की बात करें तो चेन्नई के लिए सीजन बिल्कुल मिला जुला रहा है, जिसके कारण टीम अभी प्लेऑफ के दौर में बनी हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ इस बार कप्तानी कर रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा क्या ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई वही कारनामा दोहरा पाती है जो इतने सालों तक धोनी ने उनके लिए किया।